गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रवि कुमार, स्वागत करता हूँ हमारे भारतीय जनता के चैनल में। मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा आज कुछ खाना खबरों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेलपहाड़ अंतर्गत मोहनपुर गांव के एक युवक को बेलपहाड़ एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा गिरफ्तार कर उसके पास से 15 लीटर देसी शराब जब्त किया गया। झारसुगड़ा के पंडरी पत्थर में विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य पर परिदर्शन करने पहुंचे WODC CEO। तलपटिया आउटपोस्ट अंतर्गत माली मुंडा में नवनिर्मित स्टेडियम से 12 फैन चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई है। आज झारसुगड़ा के कई जगहों पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप इन सभी जगहों पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी जाके कर सकते हैं। बंदवाहा शांति नगर निवासी एम्बुलेंस ड्राइवर सरोज नायक के साथ चारला गांव की नीकू कालोक ने मारपीट करने की शिकायत सरोज ने बंदवाहा आउटपोस्ट में दर्ज करवाई है। फ्रेश ट्रिप कैब जल्द आ रहा है आपके शहर झारसुगड़ा में। फ्रेश ट्रिप कैब आपके लिए लेके आए हैं घर बैठे पैसे कमाने का मौका। आप अपने कार्ड को फ्रेश ट्रिप कैब के साथ जोड़कर कमा सकते हैं ढेर सारे पैसे। तो देर ना करते हुए आज ही नीचे दिए गए हुए नंबर पर संपर्क करें। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के 7 सदस्य टीम मालीमुंडा स्थित स्टेडियम का निरीक्षण करने झारसुगड़ा दौरे पर आए थे और निरीक्षण करने के बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगी कि इसमें पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है। मालीमुंडा में निर्माणधीन स्टेडियम में सुधार और इसे एक राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के साथ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए उपयुक्त स्टेडियम में बदलने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरोज कुमार शामल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे। धन्यवाद।